कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी 24 विवेक पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर वन, नोह कलिकई झरना किस प्रदेश में स्थित है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या हैं। ऑप्शन वन केरल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। आप सभी लोगों को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। जिस किसी को भी इसका आंसर पता है वो कमेंट में ज़रूर बताए। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी मेघालय। तो नोह कलिकई झरना मेघालय प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू, उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, ऑप्शन सी थार मरुस्थल में तूफान, ऑप्शन डी हिमालय में तेज हवाओं का चलना। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताएं। इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। तो उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है? तो चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसके आंसर जिस किसी को भी पता है कमेंट में ज़रूर बताए। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है, राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन बी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर है, भार चुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन क्या होंगे। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 5 सेकंड का टाइम है, जिस किसी को इसका आंसर पता हो कमेंट में ज़रूर बताए। और जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। भार चुक्की प्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या हैं। ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय प्रपात वन, ऑप्शन नंबर बी सवाना व मरुस्थली वनस्पति, ऑप्शन सी भूमध्य रेखी सदाबहार, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उष्णकटिबंधीय प्रपात। भारत में अधिकतर वन किस प्रकार के पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय प्रपात वन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप किसका एक मूलतः अंग था? इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जुरैसिक लैंड का, ऑप्शन बी गोंडवाना लैंड का, ऑप्शन सी आर्यवर्त लैंड का, ऑप्शन डी अंगार लैंड का। तो 5 सेकंड का टाइम है, जिस किसी को इसका आंसर पता है कमेंट में बताए। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी गोंडवाना लैंड का। तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक अंग था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है। रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी तमिलनाडु। 5 सेकंड का टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। रंगोली भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट है, त्यागराज कौन थे? तो त्यागराज कौन थे, इनके ऑप्शन देखते हैं पहले। ऑप्शन ए वैज्ञानिक, ऑप्शन बी नर्तक, ऑप्शन सी संगीतज्ञ, ऑप्शन डी एक द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगीतज्ञ। त्यागराज कौन थे, त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे? तो इसके ऑप्शन क्या होंगे। ऑप्शन ए नामदेव, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी रामानंद,
ऑप्शन डी रामानुज। 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, सभी लोग कमेंट में बताएं कि बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चैतन्य। चैतन्य बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन क्या है, भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जिस किसी को पता है कमेंट में बताए, देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। तो भारत में पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मोस्टली लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, जिस किसी को इसका आंसर पता है कमेंट में जाके बताए। इसके ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मथुरा, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर देखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था। तो जिस किसी को इसका आंसर पता है वो तो तुरंत कमेंट में जाके बताए, महावीर का जन्म किस घराने में हुआ था। इसके ऑप्शन देखते हैं, ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी शाक्य, ऑप्शन डी लिच्छवी, ऑप्शन डी हतावना। तो इसका सही आंसर देखते हैं क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्षत्रिय, महावीर का जन्म क्षत्रिय घराने में हुआ था। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, दक्षिण भारत के अलवार थे। तो दक्षिण भारत के अलवार कौन थे, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए संत, ऑप्शन बी योद्धा, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी मूर्तियों के शिल्पकार। 5 सेकंड का टाइम है, जिस किसी को इसका आंसर पता है कमेंट में जाकर जरूर बताए। इसका सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन ए संत, दक्षिण भारत के जो अलवार थे वो संत थे। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तब तक के लिए गुड बाय।